तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो चेहरा देख रहे हैं यही मुख्यमंत्री हैं। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कौन होगा गुजरात का मुख्यमंत्री। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद इनका नाम आगे किया गया। बहुत सधे हुए अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम को तय किया, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं की सहमति इस नाम के लिए बन गई। भूपेंद्र पटेल का नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आगे किया था। घाट लोधिया सीट से विधायक है भूपेंद्र पटेल, पाटीदार समुदाय से आते हैं। कहा जा रहा था या तो पटेल समुदाय से या पाटीदार समुदाय से या ओबीसी से एक मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है। घाट लोधिया सीट से ये विधायक हैं। बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था नितिन पटेल या प्रदीप जडेजा सरीखे बड़े नाम, भारी भरकम नाम जो हर घर तक पहुंच रखते हैं, उन नामों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है, नाम चौंकाने वाला हमेशा से सामने आया है। चाहे वो उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर पुष्कर सिंह धामी का नाम हो, चाहे भूपेंद्र पटेल का नाम हो। और ये देखिए, क्योंकि खुद विजय रूपाणी ने इस नाम को आगे किया है, मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। मंच पर आप देखिए तो नितिन पटेल, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर सरीखे तमाम बड़े नेता हैं। और विधायक दल की बैठक में चूंकि वो खुद भी मौजूद थे भूपेंद्र पटेल, वहां पर सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं।